ये यहाँ का फेमस चाट, आए खाए इसका जायका बहुत ज्यादा मजेदार है। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, चलें। ओए होए 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 होए, अभी वापस यहाँ पे अटक गई है ये जाके। सेफ्टी बेल्ट बोल सकते हैं आप इसे, रस्सी बांध के ये इधर यहाँ पे बांध के मैं कुल्हाड़ी लेके आ चुका हूँ। और अभी इस ख़तरनाक जगह से आगे जाके वहाँ पे एक ये यहाँ से इसे काटना है, तब जाके ये नीचे गिरेगा। इस दरख्त ने यहाँ से अपनी ये, आज हम लोग अपने गांव की पहाड़ी मार्केट जिसे लोकल मार्केट बोलते हैं वहाँ पे मशरूम सेल करने जा रहे हैं, जिसे हमारी ज़बान में गुंची बोलते हैं। और उसके साथ साथ आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये ठंडा पानी का चश्मा है, यहाँ से पानी पियेंगे और सामने यहाँ पर ऊपर पहाड़ पर हमारा बाइक पार्क है। सीधा बाइक ले कर सीधा पहाड़ों की तरफ आज का हमारा सफर होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। भाई आपका एकदम फिट फाट जबरदस्त। और इन दिनों नई नई बहार आ रही है, मतलब पत्ते नए नए सरसब्ज हो रहे हैं। ये पूरा जितना भी एरिया है ये सारा सरसब्ज शादाब हो रहा है। बहरहाल हम लोग इस प्यारे से चश्मे से पानी पीते हैं और आज का हमारा सफर यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ से अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं गांव की मार्केट की तरफ। और ये वाली जो 70 आज आपका भाई लेके जाने वाला है ये मेरी नहीं है, बेसिकली मेरे एक दोस्त की है। बहरहाल इसे करते हैं आज यहाँ से स्टार्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई स्टार्ट ही नहीं हो रही। हमारे गाँव से मार्केट तक पहुँचने में तकरीबन एक दो गाँव क्रॉस करने पड़ते हैं। अभी हम लोग जिस गाँव से जा रहे हैं, इस गांव का नाम है मसोट। ये सामने आपको ये आबादी सारी नजर आ रही होगी, इस गांव का नाम है मसोट। और रोड माशाल्लाह से हमारी साफ सुथरी है गांव की। यार अभी हम लोग यहाँ पे मार्केट में पहुँच आए थे और आते साथ जो पहला मार्का होता है वो ये है, यहाँ का फेमस चाट, आए खाए इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। लाजवाब यार समोसा चाट है ये। जफा कैसा जायका है? ज़बरदस्त है। तो वो मशरूम आपने बेच दी थी, सेल कर दी थी, कितने की बिकी है? थोड़ी ऊँची आवाज़ में बोलो कितने की बेची? 3000 की। कितने ग्राम थी? 3 लाख की। सच बताओ यारा, सच बताओ कितने की? 3000 की या 3200 की शायद है ना? कितने ग्राम थी? 250 ग्राम। तो इसने यहाँ पे वो मशरूम बेच दिए 250 ग्राम, 3200 की बेची हैं। बहरहाल अभी हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ पे बिरयानी का काम तमाम किया है। खुज़ैफ़ा भाई की तरफ से पार्टी थी मशरूम बेचने की। उसके बाद जो दूसरा चीज़ है ना, वो फेमस चीज़ है यहाँ की, चाट, बहुत ज़्यादा जायके वाले। तो लाजवाब यार, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 3:09 हो चुके हैं। तो यहाँ से मार्केट से काफ़ी ज़्यादा सामान भी हम लोगों ने लेना है, फिर यहाँ से निकलेंगे। ये बाहर हमारे गांव की ये मार्केट है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी फिर यहाँ से ये पेट पूजा अपनी करते हैं, फिर बाहर चलते हैं, सामान सामान काफ़ी ज़्यादा लेना है वो लेते हैं, फिर वापस नीचे गांव की तरफ जाना है, क्योंकि बाइक में हमने सामान लेके जाना है, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लाजवाब यार। तो यार अभी हम लोग मार्केट से वापस आ रहे थे और रास्ते में यहाँ पे एक रोड में एक दरख्त आके गिर चुका है, मतलब 2-3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा आंधी और बारिशें हुई, तो इसकी वजह से यहाँ पर रोड बंद हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे काम जारी है कि इसे यहाँ से किसी तरीके से हटाया जाए। और अभी आपको ये नज़र आ रही होगी लोहे की वायर, ये बांधी गई है यहाँ पे सामने गाड़ी के साथ, ताकि ये इसे खींच के ताकि टो करके आगे की तरफ लेके जाया जाए। ये अभी यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये फिर खींच के रास्ते से हटाई जाएगी ये।
अभी यहाँ पे दूसरी ट्राई की जा रही है, वो देख सकते हैं आप, नीचा तानी हो रही है ताकि ये पूरी जितनी भी लकड़ी है ये ऊपर से ताकि नीचे गिर जाए सारी। ये देख सकते हैं आप, साथ साथ वहाँ पे मैनुअली भी उसे ऊपर की तरफ किया जा रहा है। अभी ये यहाँ से तकरीबन नीचे गिरने वाली है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें। ओए होए, अभी वापस यहाँ पे अटक गई है ये जाके नीचे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये दरख्त गिरा नीचे, और भी यहाँ पे रोड के ऊपर 3-4 दरख्त हो रहे हैं। बहरहाल यहाँ से इसे बाहर यहाँ पे निकाला जा रहा है, जो ये बाहर निकलेगी फिर वापस इसे टो किया जाएगा और ये पूरी लकड़ी सीधी रोड पे आके गिरेगी आराम सुकून से। अभी दोबारा से गाड़ी में बैठ के इसे खींचा जा रहा है। ये नीचे आने वाली है, बस गिरने वाली है। गई 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 गई, झटका लग रहा है। गाड़ी है वैसे स्ट्रॉन्ग काफी, थोड़ी सी रह गई है बस, तो ये नीचे गिर जाएगी यहाँ से। यहाँ पे जमीन के अंदर कहीं फंसी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है ये। बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा साइड पे हो चुकी है, ये जो मेन रोड थी ये यहाँ से रास्ता सारा क्लियर हो चुका है, और ये देख सकते हैं आप इस तरह की वायर यहाँ पे लगाएगी। तो यार अभी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है लेकिन हमारी कोशिश नाकाम हो चुकी है। गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा हमने कोशिश की है लेकिन ये इधर ऊपर अटक गया। और अभी आपके भाई ने यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेफ्टी बेल्ट बोल सकते हैं आप इसे, रस्सी बांध के ये इधर यहाँ पर बांध के मैं कुल्हाड़ी लेके आ चुका हूँ। और अभी इस ख़तरनाक जगह से आगे जाके वहाँ पे एक ये यहाँ से इसे काटना है, तब जाके ये नीचे गिरेगा और रोड ये हमारी क्लियर होगी। तो अभी क्या कह रहे थे आप, अगर फास वहाँ चले जाए आप जहाँ खड़े हैं जी, तो 3000 रुपये इसको दूं। अच्छा चैलेंज मंजूर है जी फास साहब? बहरहाल अभी हम लोग यहाँ से आगे फिर चलते हैं जाके वहाँ पर सामने कटाई करते हैं। अभी यहाँ पर फिर इस मुश्किल जगह में कटाई स्टार्ट होने वाली है। अभी आपको मैं यहाँ से हाइट दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं सेफ्टी बेल्ट बांध के खड़ा हूँ और ये नीचे देखें काफ़ी ज़्यादा हाइट है और यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं है। ये जो ही दरख्त नीचे जाएगा तो ये पूरा एरिया साथ लेके नीचे की तरफ जाएगा। ये देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा गहर जगह और ये नीचे सारे खड़े तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे, और साथ वो गाड़ी है। बहरहाल कैमरा यहाँ से कंट्रोल होगा और आपका भाई यहाँ पे काम करेगा। अभी मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी रस्सी भी ऊपर दरख्त के साथ बांध ली है। दो रस्सियों के हेल्प से आपका भाई यहाँ पे मिशन तो यार अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेज था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है दो रस्सियों की मदद से। ये देख सकते हैं आप इस दरख्त ने यहाँ से अपनी ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है जी। यहाँ पे जी मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यार अभी हमारा मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अभी यहाँ से इन पत्थरों से मैं ऊपर आने वाला हूँ। कंप्लीट हो चुका है जी यहाँ पे पहला स्टेज हमारा। अभी यहाँ से मैं रस्सी खोलता हूँ फिर ऊपर आके नीचे चलते हैं। अभी गाड़ी के साथ आप इसे टो करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी के साथ इसका काम होने वाला, लकड़ी का हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। बहरहाल ये देख सकते हैं आप, ये अब इसे खींच के आगे की तरफ लेके जाया जाएगा लकड़ी को। ये देखें
तो गाड़ी ओ पूरी वायर निकल गई है यहाँ से, जो ये यहाँ पे फंसी है लकड़ी तो वहाँ से पूरी वायर निकल गई है। बहरहाल अभी आपका भाई ये देख सकते थे आप, मैंने इस जगह पे जाके ये मिशन कंप्लीट किया और ये सामने एक इस दरख्त के साथ रस्सी बांधी गई थी सेफ्टी के लिए और दूसरी इस दरख्त के साथ बांधी गई थी, लेकिन यहाँ पे खींचते खींचते निकल चुकी है। और हालत देखें कपड़ों की बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, कैमरा मैन की भी हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। तो यार अभी आपको इस गाड़ी के ड्राइवर से इंटरव्यू करवाते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि ये क्या इसके मामलात हैं, कौन सा मॉडल है, मेक मॉडल वेरिएंट और इसकी कितनी पावर है, क्या मामलात हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा दरख्त ये खींच के यहाँ पे लेके आई और ऊपर से ये दरख्त यहाँ पे मतलब पहले जुड़ा हुआ था जब इसने टो किया, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी जाहिद साहब, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं ये गाड़ी का कौन सा, ये कौन सा मॉडल है? छियासी मॉडल है, ये फोर व्हील है। अच्छा, ये फोर व्हील है, फोर व्हील छियासी मॉडल। और ये बड़ी ताकत वाली है, पहाड़ी इलाके टोयोटा की है ये, टोयोटा की छियासी मॉडल, ठीक है। ये डीजल इंजन में है? हाँ, डीजल है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं टोयोटा की फोर व्हील पेजेरो, मिट्सुबिशी की है आई थिंक, हाँ मिट्सुबिशी की है। बहरहाल काफी ज्यादा इसका मुश्किल टास्क था, और अभी ये काम यहाँ पे हम लोगों ने इसका डन किया है, देख सकते हैं आप। AB631 मिट्सुबिशी की गाड़ी, मोस्ट पावरफुल जीप कह सकते हैं आप इसे। और ये देख सकते हैं आप पुरानी गाड़ियों में ये लॉक सिस्टम होता है, ये इसके टायरों में लॉक है, ये देख सकते हैं आप लॉक फ्री, ये यहाँ से भी इसका कोई कंट्रोल होता है। बहरहाल ये मिशन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो अभी बाइक लेते हैं और सीधा नीचे गाँव की तरफ चलते हैं। चलें जी निकलते हैं, फिर अभी इस पूरी जगह को अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, बाय बाय। हाँ भाई, अभी आपसे दो दिनों बाद दोबारा से मुलाकात हो रही है और अभी टाइम हो रहा है 8:25 हो रहे हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये जो स्टोरी थी हम लोग गए थे मार्केट की तरफ और आते हुए रास्ते पे मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी लकड़ी जो है रोड के ऊपर से, आपको पता है पहाड़ी एरिया में जंगल वगैरह होते हैं तो लकड़ियाँ बारिश वगैरह आंधी में गिर जाती हैं, पूरे पूरे दरख्त पूरा दरख्त गिरा हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था और पुरानी एक पेजेरो टाइप थी मिट्सुबिशी की, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया जा रहा था लेकिन नहीं खुद रही थी। आपका भाई एडवेंचर का दीवाना बेल्ट दो बांध के सीधा ऊपर चला गया ख़तरनाक जगह में, जाके मैंने वहाँ पे उसे काम तमाम किया, रोड हमारी क्लियर हो चुकी है, फिर उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आ गए थे। बहरहाल आप लोगों के लिए सब कुछ ही होता है, एडवेंचर वगैरह जितना भी है आप लोगों के लिए होते हैं, और आप लोग गए सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, पता नहीं क्यों, जल्दी से जाओ यार, सब्सक्राइब वाला जो बटन नज़र आ रहा है उसे दबाओ, जल्दी जाके दबाओ, मतलब एक मिनट के अंदर अंदर दबाओ, आपका क्या जाता है, आपने यूं हाथ लगाना है बस बात खत्म होती है, इतनी सी बात है यार आप लोगों के लिए। तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद होगी, वीडियो पसंद चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय। इस दरख्त ने यहाँ से अपनी ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है।